हाय फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था और उसके ऊपर एक फ्रेम को भी लगा दिया था। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे मेन फ्रेम को हमने क्रिएट करा दिया था। तो यहाँ पर यहाँ तक हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया था, हमने एक फ्रेम वहाँ पर क्रिएट कर दी थी पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस फ्रेम के ऊपर एक इमेज लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इमेज इस फ्रेम के ऊपर लगाया जाता है। तो इमेज को लगाने के लिए आपको, जैसे कि मैंने कहा, हमको इमेज लगाना है, तो हमें इमेज आइकन नाम का एक जावा का क्लास होता है जिसके हेल्प से हमें उस इमेज को फ्रेम पर लगाना होता है। तो इमेज आइकन का यूज करके हम इमेज आइकन क्लास का यूज करके हम इमेज को वहां पर लगा लेंगे अपने फ्रेम के ऊपर। तो इमेज आइकन क्लास को यूज करना है, उसके लिए उसका आपको एक ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। तो हम यहाँ पर img1 करके उसको ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे। उसके बाद =new कीवर्ड और इमेज आइकन क्लास और उसका कंस्ट्रक्टर, उसके बाद सेमीकोलन दे देना है। अब आपको क्या करना है, इस फ्रेम के ऊपर इमेज लगानी है, लेकिन हमारे पास इमेज है ही नहीं, तो ये इमेज आएगी कहाँ से इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे देता हूँ जो कि एक इमेज फोल्डर की लिंक है। तो ये फोल्डर की इमेज की लिंक पर आपको क्लिक करके उस फोल्डर को डाउनलोड कर देना है। तो वो ये फोल्डर है आपका, जो कि इमेज का फोल्डर है जो कि हम यूज करने वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को आपको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आप कॉपी कर लोगे, उसके बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटबीन्स प्रोजेक्ट नाम का यहाँ पर एक फोल्डर डिस्प्ले होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, डबल क्लिक करना है। उसके बाद नेटबीन्स प्रोजेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन आपको जाना है सिर्फ EMP मैनेजमेंट सिस्टम नाम के प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट होगा। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखे, इसलिए मुझे इतने सारे प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ इस EMP मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंदर आना है, उसके बाद SRC फोल्डर के अंदर आना है और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो फोल्डर आपने डाउनलोड करके कॉपी किया था। तो यहाँ पर img नाम का फोल्डर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है SRC के अंदर आके, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने IDE पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं img नाम का फोल्डर जो है वो ऐड हो चुका है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस img फोल्डर के अंदर काफ़ी सारे इमेजेस है, तो इस इमेजेस में से हमें ये जो मेन फ्रेम .jpg वाली इमेज है उसको यूज करना है अपने मेन फ्रेम के ऊपर। तो इस मेन फ्रेम के ऊपर हमें इमेज को ऐड करवाना है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इस इमेज को ऐड करवाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें इसे लोड करना होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसको लोड करने क्लास के अंदर लोड करना होगा। तो उसको लोड करने के लिए हम क्लास लोडर नाम का एक क्लास होता है जावा का, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं डबल कोट में सिंपली क्लास लोडर को लोड करवा दूंगा, क्योंकि हमें एक्सटर्नल एंटिटी को लोड करवाना है। और इस क्लास लोडर के अंदर एक गेट सिस्टम रिसोर्स नाम का मेथड होता है जो कि आपकी सिस्टम की रिसोर्स, अब इमेज एक रिसोर्स ही है तो उसको हमें ऐड करना है। तो गेट सिस्टम रिसोर्स नाम के मेथड का हम यूज करेंगे और डबल कोट के अंदर हमारा जो फोल्डर img उसको ऐड करवा देंगे, ठीक है। और उसको ऐड करवाने के लिए हम डबल कोट में सिंपली उस फोल्डर का नाम यहाँ पर दे देंगे कि img नाम का हमारा फोल्डर है, और उसके बाद उस फोल्डर के अंदर इमेज है तो इसलिए हमें उसको यहाँ पर स्लैश भी देना होगा। और उसके बाद जो इमेज का नेम है जो कि कैमल केस में है, तो जैसा नेम है वैसा ही आपको यहाँ पर नेम भी टाइप करना होगा अपने इमेज का। तो इमेज का नेम है हमारा मेन फ्रेम img.img.jpg, ठीक है। तो एक्सटेंशन वगैरह भी आपको जैसा है वैसा की वैसा ही टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो फ्रेम के अंदर आ चुकी है, इमेज जो है वो फ्रेम के अंदर आ चुकी है, लेकिन वो हमें अभी डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसकी वजह अभी आपको पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अभी इसी क्लास की फाइल को अब यहाँ पर रन करवा देते हैं। तो हम इस फाइल को रन करके देखते हैं कि इमेज आई हुई है या नहीं फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर आप आउटपुट में डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि फ्रेम तो आपको डिस्प्ले हो रही है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो इमेज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो हमारी इमेज इस फ्रेम के ऊपर इसलिए ऐड नहीं हुई क्योंकि इमेज आइकॉन का जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें पास करना पड़ता है JLabel क्लास के अंदर। तो JLabel क्लास को हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो आइए देखते हैं, तो JLabel क्लास को यहाँ पर हम बना लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन आपको अभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि JLabel क्लास है क्या। आने वाले वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा, इसका बहुत यूज़ होता है इस JLabel क्लास का। तो अब सिंपली आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो। तो img2 नाम से मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करवा देता हूँ और उसके अंदर सिंपली इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट जो है वो पास करवा देता हूँ उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर, ठीक है।
तो आपको कुछ नहीं, सिंपली इमेज आइकॉन का जो ऑब्जेक्ट है वो पास करवा देना है जे लेबल क्लास के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये जे लेबल जो हमने जे लेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको ऐड करना है फ्रेम के ऊपर। तो जे फ्रेम का हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर ऐड नाम का एक मेथड होता है, तो इस फ्रेम के ऊपर हमें इमेज का ऐड करना है, इसलिए हमने उसको ऑब्जेक्ट जे फ्रेम के ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड मेथड के अंदर उस ऑब्जेक्ट को जे लेबल के पास करवा दिया है। तो जैसे हम इस फाइल को रन करेंगे तो यहाँ पर आपको इमेज जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो इमेज है ये पूरी इमेज आई नहीं है, ये थोड़ी क्रॉप हो चुकी है। तो पूरी इमेज को हमें ऐड करवाना होगा, तो हम किस तरीके से ऐड करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पूरी इमेज को विदाउट क्रॉप किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो अब उस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इमेज क्लास का यूज़ करना है। तो इमेज क्लास का यूज़ करके हम पूरे फ्रेम में, फ्रेम के अंदर पूरी इमेज को हम विदाउट क्रॉप होते ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इमेज क्लास को यहाँ पर यूज़ करना है और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, EMG2 करके उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और जी लेबल का जो EMG2 ऑब्जेक्ट को उसको 3 करवा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज ऑब्जेक्ट को, इमेज क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको सिंपली गेट इमेज मेथड का यूज़ करना है, ताकि इमेज आइकन का जो इमेज है वो इस इमेज नाम की क्लास में आ जाए, ठीक है। और उस गेट इमेज के अंदर भी एक मेथड होता है गेट स्केल इंस्टांस, जिसके अंदर आपको बताना होता है कि फ्रेम आपको, सॉरी वो इमेज जो है वो उसको किस तरीके से क्रॉप वगैरह करना है, किस तरीके से उसको सेट करना है। तो जिस जो भी फ्रेम की साइज़ है वही साइज आपको गेट स्केल इंस्टांस मेथड के अंदर पास करवा देनी है। और उसके बाद इमेज डॉट, सॉरी इमेज आइकॉन नहीं, वहाँ पर आपको सिंपली इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट करवा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा। क्यों सजेशन नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो मेथड होती है स्केल डिफॉल्ट, इमेज का जो एक फॉर्मेट होता है उसको ऐड करवाने के लिए ये जो इमेज जो क्लास है वो हमारा AWT पैकेज के अंदर है। तो उसको पैकेज को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करवाया, इसलिए मुझे ऑटो सजेशन नहीं दे रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पैकेज को जो है वो अपने फाइल के अंदर जावा क्लास के अंदर यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ, इसलिए वो मुझे ऑटो सजेशन नहीं दे रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर आके क्रिएट कर लेता हूँ और उस पैकेज को ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। तो ऐड करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऊपर जाना है, सिंपली आपको ऊपर जाके उस पैकेज को इंपोर्ट करवा लेना है। लेकिन मैं उस पैकेज को अभी इंपोर्ट नहीं करूँगा और ट्राई करूँगा उस स्केल अंडरस्कोर डिफॉल्ट को यूज करने की, लेकिन मैं कितना भी ट्राई कर लूँ ये मुझे ऑटो सजेस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये स्केल डिफॉल्ट मुझे आ ही नहीं रहा। ये मैंने जानबूझ के चीज़ की है ताकि आपको पता चलेगी कि एक पैकेज को इंपोर्ट करने की क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर मैं उस java.awt पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट करवा देता हूँ और .*asterisk लगा देता हूँ, ताकि सारे AWT के क्लासेस को मैं अपने फाइल में यहाँ पर यूज़ कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट करवा दिया, तो अब यहाँ पर मुझे वो ऑटो सजेशन दे रहा है। तो देखा आपने कैसे मैंने इंपोर्ट करते ही इसने मुझे ऑटो सजेशन दे दिया, ठीक है। अब ये तो चीज़ हो गई, स्केल डिफॉल्ट हमने पास कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए थे पहले वो यहाँ पर अब थोड़े गलत हुए होंगे, क्योंकि हमने इमेज क्लास को बाद में ऐड किया है और उसका ऑब्जेक्ट हमने IMG2 कर दिया था, लेकिन IMG2 नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने ऑलरेडी जे लेवल के अंदर यूज कर रखा होगा। तो इस तरीके से हमें उन चीज़ों को यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को थोड़ा यहाँ पर रीनेम करना होगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रीनेम करते हैं और फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तभी मैंने इसको कर दिया लेकिन फिर भी ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इमेज आइकॉन का जो क्लास हमने बनाया था उसको हमने इमेज में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको जे लेवल में ऐड किया, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमने ये इमेज क्लास को यूज़ किया और उसको हमें फिर से इमेज आइकन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने इमेज आइकन में उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने IMG3 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इमेज आइकन का, और ये जो इमेज क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज आइकन के आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया फिर से, ठीक है। तो हमको फिर से रीनेम करना होगा अपने ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ी मिसमैच हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ, लेकिन ये फिर भी मुझे एरर डिस्प्ले कर रहा है। तो क्यों एरर डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि
यहाँ पर आप देख सकते हो जे लेवल के अंदर हमने IMG 2 पास कर दिया है, लेकिन इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट IMG 3 है, तो उस वजह से यहाँ पर एरर डिस्प्ले हो रही थी। तो यहाँ पर अब सब चीज़ें सही हो चुकी है। अब इस फाइल को हम रन करते हैं। तो जैसे मैं इस फाइल को रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इमेज हमारी बिल्कुल सही तरीके से आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से हम इमेज को वहाँ पर क्रॉप वगैरह भी कर सकते हो और पूरे फ्रेम के अंदर फिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इमेज तो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि इसको क्रॉप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमारे फ्रेम की साइज अलग रहती है और हमें इमेज जो होती है हमारे पास उसकी साइज अलग होती है, तो उसको फ्रेम में ठीक तरीके से सेट करने के लिए हमें इस इमेज क्लास का यूज़ करना होता है। तो ठीक है, तो मैंने उसको भी आपको बता दिया कि किस तरीके से वो भी चीज़ आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज के ऊपर बटन लगाएंगे और लेबल वगैरह करेंगे, और पहला फ्रेम जो हमारा मेन फ्रेम था उसकी